तो गाइस WWE में हमेशा बड़े रेसलर्स को तो रखा ही जाता है, लेकिन कुछ वीक रेसलर्स को भी रखा जाता है ताकि वो अपने सामने वाले अपोनेंट्स को ओवर कर सकें। और इस वीडियो में मैं 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे या फिर जिन्हें WWE बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाया करती थी। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, कर्ट हॉकिंस। कर्ट हॉकिंस एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने लगातार 100 मैच हारने के बाद मॉडर्न एरा में एक हार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इन्हीं हारों के साथ उन्हें ऑडियंस की सिंपथी भी मिलने लगी थी और फैंस उनकी एक जीत देखने के लिए तरस गए थे। लेकिन लगातार 269 मैच हारने के बाद उन्होंने अपने स्ट्रीक को तोड़ा और फाइनली उन्हें वो एक जीत मिली। कम इन रिंग टैलेंट ने उन्हें वीकेस्ट सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल किया और WWE ने भी उन्हें अप्रैल 2020 में बजट कट्स की वजह से रिलीज कर दिया था। नंबर 4, सेंटिनो मरेला। सेंटिनो मरेला भी WWE के वन ऑफ द वीकेस्ट सुपरस्टार थे जिनका सबसे सक्सेसफुल वेपन उनका मुड़ा हुआ हाथ, जिसे कि वो कोबरा की तरह मोड़ते थे और उससे अपने अपोनेंट पर फिनिशर लगाते थे, वो था। ये उनका वन एंड ओनली टूल था जिससे कि उन्होंने काफी सारे जॉबर्स को हराया और वो US चैंपियन और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने। वो रिंग में अपनी फालतू चीजें करने और लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते थे। उन्हें एंड में विमेंस के अगेंस्ट में लड़ाया गया जहां पर भी वो हार जाया करते थे और धीरे धीरे WWE ने भी उन्हें टेलीविजन से गायब कर दिया। नंबर 3, हॉर्नसवॉगल। 4 फुट 5 इंच की हाइट होना हॉर्नसवॉगल की रेसलिंग में सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, जिससे वो एक बड़े स्टार नहीं बन सकते थे। उनमें स्ट्रेंथ भी काफी कम थी जिसकी वजह से वो बाकी रेसलर के साथ कम्पीट नहीं कर पाते थे। ग्रेट खली और फिनले जैसे सुपरस्टार उनके पार्टनर है, लेकिन वो फिर भी रेसलिंग नहीं कर पाते थे। बस इतना था कि वो थोड़ा बहुत फनी एलिमेंट ऐड कर देते थे और इसीलिए वो भी WWE के वन ऑफ द वीकेस्ट सुपरस्टार में से एक है। नंबर 2, गिल्बर्ग। गोल्डबर्ग के एब्सेंस में WWE ने उनका एक फनी वर्जन निकाला जिसका नाम गिल्बर्ग था। ये गोल्डबर्ग के एक फर्स्ट कॉपी थे जिन्हें WWE में केवल एक फनी कॉन्टेंट के लिए रखा गया था। उनका एंट्रेंस म्यूजिक से लेकर गियर और एंट्री बिल्कुल गोल्डबर्ग जैसी थी। बस फर्क इतना था कि गिल्बर्ग की स्ट्रेंथ गोल्डबर्ग के हाफ में भी नहीं थी। उनकी बहुत ही वीक परफॉर्मेंस ने उन्हें WWE का लॉन्गेस्ट रेनिंग लाइटवेट चैंपियन भी बनाया, लेकिन बहुत ही जल्द WWE को ये पता लग गया था कि गिल्बर्ग अब उनके किसी काम के नहीं है, इसीलिए WWE ने इन सब चीजों को करना बंद कर दिया। नंबर 1, जेम्स एल्सवर्थ। जेम्स एल्सवर्थ WWE के आज तक के वीकेस्ट परफॉर्मर थे। वो काफी ज्यादा कमजोर थे जिसकी वजह से फैंस उन पर दया खाने लगे और उन्हें काफी अच्छा रिएक्शन मिलने लगा था। उन्होंने एजे स्टाइल्स और डीन एम्ब्रोस के साथ एक कमाल की फ्यूड भी दी जिस वजह से उन्हें थोड़ा बहुत फेम भी मिला। मेंस डिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा वीक थे इसीलिए उन्हें वुमेन्स डिवीजन में डाला गया, लेकिन वहाँ भी जब वो किसी फीमेल सुपरस्टार से फाइट करते थे तब उन्हें काफी ज्यादा डोमिनेट किया जाता था। और जैसे WWE को ये लगा कि WWE को उनसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, कंपनी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। तो गाइस ये थे वो 5 WWE सुपरस्टार जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी नजर में भी कोई कमजोर सुपरस्टार है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।